हम सुनने बरेली वाले हैं, हम सुनने बरेली वाले हैं। तमाम मोमिन भाई बहन को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सामईन इकराम, एक वीडियो क्लिप और लाया हूं जो तारिक मसूद ये अपने आवाम से ये बताने की बता रहा है कि मजार पे जाना गलत है, और बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा है जो आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए, ऐसे लोग है जो अपने किताबों के जरिए से और अभी जो वीडियो ऑडियो के जरिए से ये बताने की कोशिश कर रहा है मजार पे जाना नहीं चाहिए। और हालांकि मजार पे जाने का ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो कहने का मकसद है कि ये लोग मंदिर में चले जाएंगे, गुरुद्वारा में चले जाएंगे, सारे जगह चले जाएंगे, लेकिन मजार शरीफ पे जाने को गलत बताएंगे। तो आप और हम खुद सोचिए कि ये लोग किस तरह का लोग है। यही लोग है जो हमारे इस्लाम को बदनाम करता है। जब गैरों में तुम जाते हो तुम्हारे लिए वो सही है, मगर जब हम लोग अपने बुजुर्गों के मजार पे चले जाते हैं तो तुमको वो गलत लगता है। तो खुद सोचिए आप और हम। तो ऐसे लोगों से आप सभी लोग बचे। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहूँगा और यही कहता रहूँगा, मरते दम तक मैं ये कहता रहूँगा, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक। और इंशाल्लाह ये काम हमारा जारी रहेगा। बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। आप लोग ऐसा ना सोचे कि वीडियो बना दिया और सीधे अपलोड कर दिया, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, भले आप समझे या ना समझे। लेकिन जो बनाता है वीडियो आप उससे पूछ सकते हो कि कितना मेहनत लगता है। तो इस शैतान मुफ्ती तारिक मसूद का सुन लीजिए, फिर उसके बाद हमारे आलिम का सुनाएंगे जो श्रीलंका से है, मौलाना एहसान रजा कादरी साहब, और इतने अच्छे आलिम हैं कि एक एक चीज़ आपको कुरान और हदीस से बताएंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं अपने आलिमों को सुनता हूँ तो ईमान जो है ना बिल्कुल ताज़ा हो जाता है, और मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ कि हमारे बीच ऐसे आलिम मौजूद है जो हम लोगों को इस्लाह कर रहा है। तो आप लोग इस क्लिप को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जजाकल्लाह खैर। मज़ारों पे जाना हराम है, गुनाह कबीरा है, और अगर ये नियत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए हैं मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं। अगर हज किया है तो वो हज बातिल हो जाएगा और निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। जब किसी का इंतकाल होता है तो तदफीन के बाद हम ये कहते हैं कि फ़लाँ की कब्र फ़लाँ जगह पर है, और यही किसी बुजुर्ग का जब इंतकाल होता है यानी दुनिया से रुखसती होती है तो हम लफ्ज़ कब्र की जगह पर मज़ार कह देते हैं। अच्छा, मज़ार पे जाना अगर हराम है, गुनाह कबीरा है, तो मुझे बताइए क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में सहाबा किराम के मज़ार पे नहीं गए थे? शुहदाए उहद की बारगाह में नहीं गए थे? सिहा सित्ता देख लीजिए, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुनिया से पर्दा करने से कुछ दिन पहले उहद पर तशरीफ़ ले गए थे। तो क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हराम किया, माअज़ल्लाह, गुनाह कबीरा किया? फिर आप तफसीर इब्न कसीर उठा लीजिए और भी तफासिर उठा लीजिए, सूरह रअद, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, इस आयत करीमा के तहत देख लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद की बारगाह में हाजिरी देते थे। वकदा अबू बकर व उमर व उस्मान, इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक हर साल, हज़रत उमर हर साल, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हर साल जाते थे। तो क्या इन सबों ने हराम किया, गुनाह कबीरा किया? अक्ल से काम लेना चाहिए। अच्छा, फिर अल्लाह ताला के इख्तियार से अगर ये साहिब मज़ार हमारी हाजत रवाई करते हैं, ये अकीदा है, तो ये शिर्क है, उसके पीछे नमाज जायज़ नहीं, उसको मुसलमान के कब्र पे कब्रिस्तान पे दफन करना जायज़ नहीं। ये सब आपने कह दिया, लेकिन यही बात आपने जो दूसरी जगह पर कही, ये जो बुजुर्गों पर एतराज़ात किए जाते हैं ना बहुत सारे, वो कब्र परस थे, उन्होंने कब्र से मांगा, ठंडी निकल आई वहाँ से, मुर्दा आ गया फलाने की मदद करने के लिए, उन्होंने मुर्दे को पुकारा, उन्होंने फलाने को पुकारा, उन्होंने ये पुकारा। तो जैसे अल्लाह जिंदों के हाथ पे कुछ कर सकता है, कब्र में लेटे हुए मुर्दे के जरिए भी कुछ कर सकता है। इसमें ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी ना गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी,
अब अगर किसी मुर्दे ने उठ के किसी को कुछ कर दिया तो ये अगर ऑथेंटिक खबर है, मुस्तनद ज़राए से आपके पास पहुंची है, तो आप अगर तौहीद परस्त होगे तो आप इसकी तावील करोगे कि ये मुर्दे ने खुद नहीं किया बल्कि किया किसने, अल्लाह ने। कि देवबंदी अकाबिर से जो बातें जाहिर हुई तो आपने उसको करामत कह दिया और ये कह दिया कि ये अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से है। अब करामत का मतलब ही क्या है, अल्लाह की दी हुई ताकत से ना। और अगर ये नियत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो ये इख्तियार ही तो हुआ, तो अपने बुजुर्गों की बात आई तो यहाँ इख्तियार को मान लिया और आप मुसलमान। और यही हमने हमारे बुजुर्गों के ताल्लुक से कहा जो वाकई में बुजुर्ग है। आपके बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नए नबी का इम्कान बता दिए, जैसे कासिम नानोत्वी और उसकी कब्र से लोग फायदा उठाते थे। अशरफ अली थानवी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक इल्म को जानवर से और पागलों से और बच्चों से तशबीह दी, माअदल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको अपने वक्त का आप मुजद्दिद मानते हैं, हकीमुल उम्मत मानते हैं। रशीद अहमद गंगोही जिसने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, उसको आप अपने वक्त का गौसे आजम मानते हैं। शैतान के इल्म को हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा बताया, ये सब सरीह कुरान के खिलाफ है, अहादीस के खिलाफ है, तो ये कौन सी तौहीद पे रहे। ऐसे वाकयात को, झूठी मनगढ़ंत वाकयात को लेके करामत का नाम देते हैं, ये तो आपकी मुनाफिकत है। इससे साफ पता चलता है कि आपको दीन से कोई लगाव नहीं है, शिर्क की तारीफ तक आपको नहीं मालूम, बिदअत की तारीफ तक आपको नहीं मालूम, बस बुजुर्गों से बुग्ज, अल्लाह के अंबिया और औलिया से बुग्ज, और सिर्फ अपने बुजुर्गों से मोहब्बत, जिसको आपने करामत का नाम दे दिया। और करामत का नाम दे दिया तो इख्तियार ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, जैसे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सय्यिदा मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा से, ली अहबलकी गुलामन ज़किया। देने की कुदरत तो अल्लाह ताला रखता है लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए दिलाया, और अल्फाज भी यह है कि ली अहबलकी, मैं देने आया हूँ सुतरा बेटा। इसी तरह जब हमने कहा कि गरीब नवाज के जरिए हमें औलाद मिली, तो इसका मतलब यही है कि गरीब नवाज के जरिए अल्लाह ही ने दिया है। हमने गरीब नवाज को अल्लाह नहीं माना, गौसे पाक को अल्लाह नहीं माना, अल्लाह के नेक बंदे माना, और अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को ताकतें अता फरमाई जिसको आपने भी कबूल किया। लेकिन फर्क इतना है, हम सच्चे बुजुर्गों के ताल्लुक से ये मानते हैं, आप उन आपके झूठे बुजुर्गों के ताल्लुक से इस तरह की बातें करते हैं जिनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं इन बुरे अकायद की बिना पर। हमारे सुन्नी बरेलवी आवाम भाई है, मैं आप तमामी लोगों से गुजारिश अपील करूंगा, मैं इस काम में बिल्कुल लग गया हूं सही तरीके से, और हमेशा जो वहाबी देवबंदी बद मजहब लोग हैं उसको मैं रद्द करता रहूंगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग हमारा फैमिली मेम्बर बने, और ये जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इस ज्वाइन बटन पर जाकर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ज्वाइन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 90 रुपया यानी 89 रुपीज़ आप यहाँ पर पैड करके आप गूगल से, पेटीएम से या फ़ोन पे से आप पेड कर सकते हैं, किसी भी जरिए से आप पेड कर सकते हैं यूपीआई के जरिए से। तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इस तरह आप किसी भी ऑप्शन पे जो भी आपके पास है आप वहाँ पे जाए ऑप्शन पे और उसको क्लिक करें और पेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें कुछ काम करने में आगे मदद मिलेगा और आप लोगों की बदौलत ये सब काम हम कर सकेंगे बस। और आगे एक और ऑप्शन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थैंक्स लिखा हुआ है, थैंक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपने मर्ज़ी से 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 200, जितनी भी आपकी हैसियत है उतना भी आप यहाँ से लकीर है, यहाँ से लकीर पे देख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा ऑप्शन है, और उसी तरह यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है, तो ये सेंड का ऑप्शन है उसी तरह खुलेगा जो ज्वाइन बटन में खुला था, तो इससे भी आप पेड कर सकते हैं। बस आप तमाम लोगों से ये गुजारिश अपील है कि इस काम के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अब अपना मजदूरी छोड़कर मैं इसी काम में लग गया हूँ। अल्लाह ताला तमाम हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, जितने भी मोमिन भाई बहन हैं सबको सलामत रखे और रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।